जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल होलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स हमाशामा गांधी चौक सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अब से कुछ ही देर में आगमन यहां सालासर की पावन धरा पर होने वाला है। वो यहां पर सालासर बालाजी के दर्शन करेंगे और प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे और उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए सभी खास कांग्रेस के नेतागण यहां पर पहुंच चुके हैं। सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल यहां पहुंच चुके हैं, साथ ही आसपास के क्षेत्र के MLAs और नेतागण कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे हैं उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए। और साथ ही साथ यहां हेलीपैड का ये दृश्य है जहां पर सभी जो प्रशासनिक जो अमला है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद यहां पर नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आगमन होने वाला है। हेलीपैड के बाहर का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर स्वागत अभिनंदन की तैयारियां हैं, वहीं प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद यहां पर नज़र आ रहा है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं और स्वागत अभिनंदन की यहां पर तैयारियां हैं, प्रशासन पूरी तरह से यहां पर अलर्ट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वागत के लिए यहां पर कांग्रेस के सभी ज़िले के दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल यहां पर मौजूद हैं, सविता जी राठी यहां मौजूद हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भंवरलाल जी पुजारी, पूर्व देहात अध्यक्ष विद्याधर बैनीवाल, इदरीश जी गौरी, रतनगढ़ से पूर्व में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे पूसाराम गोदारा, पूर्व प्रधान सुजानगढ़ हाजी रफीक मंडेलिया सहित दिग्गज नेता यहां पूरे चूरू जिले के मौजूद। सभी कांग्रेस के नेतागण यहां पर मौजूद हैं। सुजला जिला महासत्याग्रह की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है, जो कि सुजानगढ़ सुजला जिला की मांग यहां पर ज्ञापन के माध्यम से करने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आगमन यहां सालासर बालाजी की पावन धरा पर अभी होने वाला है और उनके स्वागत अभिनंदन के लिए कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता यहां मौजूद हैं। सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल यहां स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी का, आपके विधानसभा क्षेत्र में आना हो रहा है और किन जो है शुभकामनाओं के साथ उनका स्वागत करेंगे? सर देखिए, वो सालासर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं और प्रदेश की खुशहाली के लिए, अमन चैन के लिए, दुआ के लिए आ रहे हैं, तो हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं कि आज सालासर की पवित्र धरा, बालाजी महाराज की धरा, जहां उनका आगमन आने वाले समय का सुख संकेत ले जाएगा, यही हम। क्या क्षेत्र की किसी मांगों के साथ भी आप उनसे मिलने वाले हैं, ज्ञापन देने वाले हैं, या किसी तरह की कोई मीटिंग वगैरह का भी प्रोग्राम है? नहीं, आज के मीटिंग के या कोई यहाँ प्रोग्राम उनके नहीं, आज सिर्फ उनका मंदिर दर्शन का प्रोग्राम है, इसका मीटिंग का और का कोई प्रोग्राम आज उन्होंने नहीं रखा है। बाकी मिलना क्या अपन देना वो सारे तो चलते रहते हैं राजनीतिक कार्यक्रम में, वो तो सारे चलते रहते हैं। आज सिर्फ और उनका जो कार्यक्रम है वो मंदिर दर्शन का रखा है, इसके अलावा और दूसरा यहाँ कोई प्रोग्राम किसी तरह का मीटिंग संवाद नहीं रखा है। कहेंगे किन शब्दों में स्वागत करेंगे सविता जी? आज हम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का सुजानगढ़ की पावन धरा पर सालासर धाम में हम श्री बालाजी महाराज के पुण्य सानिध्य में उनका हम स्वागत करते हैं इस रूप में कि जिस प्रकार से उन्होंने हर आम गरीब आवो आवाम की जिस प्रकार से उन्होंने सुख सुविधा का ध्यान रखा है। सरकार, राज और राम दोनों उस आम आदमी के लिए होते हैं जहाँ तक कि उनके भाग्य नहीं पहुँच पाता, और एक तरह से भाग्य विधाता के रूप में उन्होंने काम किया है। और न केवल बच्चे बल्कि बूढ़े बल्कि बुजुर्ग, बीमार, अबला, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं लाकर सबको चौंकाया है। न केवल देश में बल्कि विश्व में भी उनकी जो चिरंजीवी जैसी योजनाएँ हैं वे डंका बजा रही हैं और लोगों के तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है। इसलिए हम आज हर आम आवाम उनकी नजरें और पलके बिछाए उनका स्वागत कर रही है, हम भी उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत में सुजानगढ़ के सभापति नीलोफर जी गौरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। किन शब्दों में आज हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब सालासर बालाजी धाम पधार रहे हैं, तो हमारे पूरे चूरू जिले के जितने भी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और हर एक कार्यकर्ता आज उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए सब इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याणकारी योजनाएँ लाकर आम व्यक्ति को लाभ पहुँचाने का जो काम किया है, और हमारे जननायक आज हमारे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सालासर धाम पधारने पर आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनके स्वागत के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। कांग्रेस के नेतागण यहाँ पर, बजरंग जी सेन भी यहाँ पर स्वागत के लिए पहुँचे हैं।
कन्हैयालाल जी, माली, सभी नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के आने का समय हो रहा है और जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष राम कुमार मेघवाल, राम नारायण रुलानिया, सिराज खां जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री के आगमन होने वाला है सालासर में और प्रशासन अलर्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है, हेलीपैड का दृश्य, हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सालासर की धरती पर हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है। हेलीकॉप्टर से उतर चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लोग यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गाड़ी में बैठकर सीधा निकल चुके हैं। हेलीकॉप्टर से उतर कर सीधा गाड़ी में बैठकर मंदिर दर्शनों के लिए रवाना हो चुके हैं हेलीपैड से। यहाँ पर लोग मुख्यमंत्री जी के अभिवादन के लिए यहाँ पर खड़े हैं। सभी लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जो ही हेलीपैड से मुख्यमंत्री उतरे और गाड़ी में बैठकर सीधे पहले बालाजी के दर्शनों के लिए वो मंदिर की ओर चले गए हैं और सभी कार्यकर्ता जो है वो इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और कई लोगों के हाथ में ज्ञापन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला फिर से हेलीपैड में आ चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला पहुंच चुका है, लोग रुकने के लिए कह रहे हैं लेकिन लोगों का ज्ञापन लिए जा रहे हैं। ज्ञापन लोगों से ले लिए गए हैं, मुख्यमंत्री गहलोत फिर से रवाना हो रहे हैं और हेलीकॉप्टर में रवाना होंगे। यहाँ कैंप में थोड़ी देर रुके हैं और नेताओं से मुलाकात उन्होंने की और अब गाड़ी के साथ हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के लिए चले गए हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में रवाना हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर में बैठकर फिर से मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं। सादापुर विधायक कृष्णा जी पूनिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला है सालासर बालाजी में। वो दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, सालासर बालाजी में दर्शन कर फिर से हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं और रवाना होने वाले हैं। हेलीकॉप्टर उड़ चुका है मुख्यमंत्री जी का और हेलीकॉप्टर में बैठकर रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सालासर बालाजी में दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुँचे और सीधे गाड़ी में बैठकर सीधे बालाजी के मंदिर दर्शनों के लिए यहाँ से चले गए और फिर लौटकर फिर से गाड़ी में ही हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के लिए निकल गए। कार्यकर्ता यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ मौजूद थे और अलग अलग वो ज्ञापन भी देने वाले थे। ज्ञापन उनके जो साथ में सहयोगी थे उनके द्वारा ज्ञापन लिया गया और वो फिर से सालासर बालाजी से सालासर बालाजी दर्शनों के पश्चात हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से रवाना हो चुके हैं और हेलीकॉप्टर में रवाना होने से पहले हेलीपैड के पास उन्होंने कार्यकर्ताओं से और नेताओं से मुलाकात की। ये था विशेष कार्यक्रम सालासर बालाजी से। मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।